सत्कर्तव्य। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपरिमित ज्ञान और बल से संपन्न मनुष्य को स्वार्थ का परित्याग कर मातृभूमि और उसके निवासियों की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी है। संसार में जड़ और चेतन सभी अपने कर्म में लीन हैं, अतः मनुष्य को भी देश और जाति से उऋण होने का सत्कर्तव्य निभाना चाहिए। मैंने सोते हुए स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है। मैंने जागकर देखा कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा की और पाया कि सेवा ही सच्चा आनंद है। रविंद्रनाथ टैगोर। जग में सचर अचर जितने हैं, सारे कर्म निरत हैं। गुण है एक ना एक सभी को, सबके निश्चित व्रत हैं। जीवन भर आतप से वसुधा पर छाया करता है। तुच्छ पत्र की भी स्व कर्म में कैसी तत्परता है। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता। सब है लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। है उद्देश्य नितांत तुच्छ, तृण के भी लघु जीवन का। उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म मैं तन का। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल, विलसित जन्म तुम्हारा। क्या उद्देश्य रहित हो जग में तुमने कभी विचारा। बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में। क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में। जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है। जिसका खाकर अन्न सदा समनीर समीर पिया है। वह स्नेह की मूर्ति दयामयी माता तुल्य मही है। उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। केवल अपने लिए सोचते मौस भरे गाते हो। पीते खाते सोते जगते हंसते सुख पाते हो। जग से दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है। सोचो तुम ही कौन अगजग में तुम सा स्वार्थ विवश है। यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है। किंतु स्वात्म बल विज्ञ सत्पुरुष ठीक पहुँच अटकल से हल करते हैं प्रश्न सहज में अविरल मेधा बल से। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए है वह निज हित का तुम पे बड़ा भरोसा। उससे होना उरण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा। फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा।